तो गाइस ऐसा कहते तो है कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी, मगर आज की इस जर्नी में सफ़र खूबसूरत हो ना हो, मंजिल खूबसूरत है। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई से त्र्यंबकेश्वर। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी ट्रैवल स्टोरी के साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा कि कैसे जाए, कहाँ रुके और कितना खर्चा आएगा, और पूरी जानकारी के साथ हम ये ट्रैवल स्टोरी शुरू करते हैं। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से नासिक जाने के लिए मैं पकड़ता हूँ तपोवन एक्सप्रेस और अपनी रिजर्व की हुई सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ, जहाँ मुझे रिजर्व कोच में भी जनरल का एहसास होता है। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक लोगों को सोते और मोबाइल चलाते देखते हुए मैं नासिक पहुंच जाता हूं। तो अभी मैं उतरा हूं नासिक, और नासिक ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे छोड़ा है हमें, सॉरी 1 नंबर पे छोड़ा है। तो हमको मुंबई से अगर आप आते हो तो लेफ्ट साइड उतरना है, अगर आप इस तरफ नासिक भुसावल की तरफ से आ रहे हो तो राइट साइड में जाना है, ठीक है। तो अभी मैं नासिक स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। नासिक फर्स्ट स्टेप है, अगर आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप नासिक है। अगर आप कहीं से भी हो, नासिक आपको आना ही पड़ेगा। देवलाली ना जाए, देवलाली से बहुत दूर पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। नासिक बहुत नज़दीक है, नासिक से मतलब 35 किलोमीटर है, और नासिक आपको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऑटो से जा सकते हैं, एसटी बस से जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। तो मैं अकेला हूँ तो मैं ट्रैवल करूँगा एसटी बस से। तो यहीं बगल में ही है बस स्टैंड, पता करता हूँ। हाँ तो गाइस, स्टेशन के पास एक एटीएम था यूनियन बैंक का, और वो आउट ऑफ सर्विस था। तो मैं अम्बेडकर चौक से राइट ले आऊँ, एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है, सॉरी एटीएम है, वहीं से आप कैश निकाल सकते हैं। और 245 जो बस नंबर है, वही बस त्र्यंबकेश्वर जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये बस है, और मैं इसको हाथ दिखा रहा हूँ। तो एक बस चली गई, तो एक बस मेरी छूट गई है ऑलरेडी, और मैं देखते हैं दूसरी बस कब मिलेगी, या तो रिक्शे से जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है। तो ये पीछे बस खड़ी है, फाइनली एक और बस लगी है, 245 नंबर बस है, और स्टेशन के ठीक बगल में ये बस स्टैंड है, यहीं से आपको बस मिल जाएगी अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो। बाकी ऑटो जाना चाहते हैं तो ऑटो के लिए आप त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पे लोग चिल्लाते रहते हैं। तो चलिए बस के अंदर हम चलते हैं और बैठ जाते हैं, फिलहाल ये भी बस छूट जाए उससे अच्छा है। कंडक्टर आ रहा है, अभी टिकट निकालेंगे। कितने का टिकट पड़ता है यहाँ से नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर, ये भी मैं बताऊँगा। अभी बस से उतरा हूँ जस्ट। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि बस कहीं और लेके जा रही है, लेकिन नहीं, बस यहीं पे छोड़ देती है। इसके आगे हमको इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। और बस से आने का एक घाटा ये है कि आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तकरीबन 10:30 बजे मैं बस में बैठा था और अभी बज गए हैं 12, तो 60 रुपये में, मतलब 65 रुपये में यहाँ तक इसने छोड़ दिया। अब आगे का रास्ता मुझे पैदल तय करना है। अंदर चौक से ये मंदिर के लिए स्पेशल रास्ता है, बड़ी गाड़ी नहीं आती है, छोटी 2-व्हीलर्स वगैरह चल सकती है। साइड में पूरे बाजार देख सकते हैं। 12 बजने को हो गया, मतलब धूप बहुत कड़क हो गई है, सुबह उठने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस ने लेट कर दिया बहुत।
गाइस मंदिर के ठीक सामने मैं पहुंच गया हूं, उत्तर महाद्वार के पास। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है 200 रुपये जो VIP टिकट के जो लगते हैं, वो 200 रुपये का टिकट यहाँ मिलता है। अभी हम यहाँ पे चप्पल खोलने के बाद अंदर एंट्री करेंगे। चप्पल रख सकते हैं, बैग भी रख सकते हैं। चप्पल रखने का चार्ज लेते कि प्रसाद का? प्रसाद का लीजिए चप्पल। हाँ तो गाइस वो वाला जो लाइन था वो VIP के लिए लाइन है, टिकट काटने के बाद ही उत्तर महाद्वार से आप घुस पाएंगे, नहीं तो आपको ईस्ट जो दरवाज़ा है, पूर्व दरवाज़ा, वहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। ये रास्ता सार्वजनिक है। जो नॉर्मल लोगों की लाइन है वो बहुत गर्दी है, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइन तो बहुत है, बहुत बहुत लंबी लाइन है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं VIP में चले जाऊँ 200 रुपये दे के। दो तीन बार सोचने के बाद, मन बदलने के बाद वापस वही नॉर्मल लाइन में ही जाऊंगा, VIP लाइन नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी वापस मैं VIP टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। ऑलरेडी अभी मतलब ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भगवान का भोग लग रहा है, तो टाइम लगेगा। तो वापस VIP टिकट के लाइन में खड़ा हो गया हूँ। यहाँ भी बहुत भीड़ हो गई है, उस भीड़ को देख के यहाँ भी भीड़ हो गई है। ₹2023 का पहला सोमवार होने के कारण VIP लाइन में भी तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो गाइस अभी अभी जस्ट दर्शन करके मैं बाहर निकला हूँ। तकरीबन 1.5-2 घंटे लाइन में इंतज़ार करने के बाद फाइनली जब आपका दर्शन होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जनरल की पब्लिक तो बहुत ज़्यादा थी, मेरा तो 200 रुपये का टिकट लेके थोड़ा जल्दी हो गया। अगर उस लाइन में मैं रहता तो शायद मुझे बहुत टाइम लगता। और इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को मराठा साम्राज्य के 3rd पेशवा यानी कि बालाजी बाजीराव ने बनाया। कब बना था ये मंदिर ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी हिस्ट्री थोड़ी ख़राब। तो दर्शन वर्शन करने के बाद अब तो बैग वैग ले लिया मैंने, अब जा रहा हूँ थोड़ा प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि घर वाले प्रसाद ढूंढते हैं भाई, प्रसाद लाए कि नहीं लाए। और इस मंदिर में सुबह सुबह बेवकूफ़ बना दिया है, मैं बन गया या मैं हूँ मुझे पता नहीं, 100 रुपीज़ दे के सिर्फ मैंने फूल लिया है और कुछ भी नहीं लिया। तो अभी यहीं से पेड़ा ले लेता हूँ। मोटा भाई गायब हो गए लगता है, कोई है नहीं, देखते कौन सा अच्छा होगा। दुकान खुला छोड़कर किधर घूम रहे हो?
ये कितने का है? 110 रुपये का है। 110 110। सफ़ेद वाला? 120। ह्याच्यामध्ये काय? साखर कमी जास्त राहते, दुसरं काय? हे द्या ना। किती दहाला? किती आहे? ठीक आहे। एकच जास्त माणसं नाही। गुगल पे करू? ठेवा ना। अब चलता हूँ बस स्टॉप। यहाँ पे और भी बहुत सारे घूमने वाली जगह है, लेकिन मैं उसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का ही। और ये मंदिर में तीन देव है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ऐसा एक महादेव मंदिर है जहाँ तीनों देव एक साथ रहते हैं। तो यहाँ तक का टोटल खर्चा मेरा अभी तक प्रसाद वसाद लेने के साथ मतलब 400-500 रुपये चले गए। 200 रुपये VIP पास के, 150 रुपये आने का यहाँ तक का। अब यहाँ से जाऊँगा तो 150 रुपये मतलब 300 रुपये और बढ़ जाएंगे। मतलब अगर ग्रुप में आएंगे तो आपको कम हो जाएगा, एज अ सिंगल पर्सन आते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली 800 या 1000 रुपये तो खर्चे हो ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक आप बाज़ार के नज़ारे देखें, और हम बाज़ार के नज़ारे के साथ, बाज़ार के व्यू के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस है जहाँ आप आके नज़दीक में रुक सकते हैं। बस अड्डे, बस जो बस स्टॉप है वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अगल बगल में चाय की दुकान है, नाश्ते वगैरह की दुकान है पीछे आगे, मतलब खाने पीने की टेंशन नहीं है। और एक धर्मशाला है नज़दीक में, वहाँ पे भी आके रुक सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है। बार बार इस तरफ घूमना पड़ता है क्योंकि धूप इस तरफ है। और बस हो गया, बाकी मंदिर के पीछे खूबसूरत पहाड़ है, मैं घूमना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है।